द टॉपिक वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो इज सर्कुलेटरी शॉक जिसको हम लोग नॉर्मली शॉक भी कहते हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये शॉक टॉपिक पढ़ने से पहले आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर को अच्छे से पढ़ें जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया है क्योंकि वो पढ़ने के बाद ये टॉपिक एक केक वॉक है क्योंकि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में जो भी हमने पढ़ा है उसी का एप्लीकेशन हम लोग को देखने को मिलता है शॉक में तो सबसे पहले हम शॉक को स्टार्ट करते हैं तो शॉक का डेफिनेशन होता है कि इट इज़ द इम्पेयरमेंट ऑफ एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन सो दैट द बॉडी टिश्यूज आर डैमेज्ड बिकॉज टू लिटिल ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स आर डिलीवर्ड टू द टिश्यू सेल्स मतलब इसके अंदर एडिकुएट टिश्यू का परफ्यूज़न नहीं हो पाता है जिसकी वजह से बॉडी की टिश्यू डैमेज हो जाती है क्यों क्योंकि उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग शौक को डिफाइन करें तो इट इज़ हाइपॉक्सीड सेलुलर लेवल सेलुलर लेवल या फिर टिश्यू के लेवल पर जा करके ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिस वजह से टिशूज़ का डैमेज हो जाता है और दूसरे लैंग्वेज में अगर हम लोग इसको देखें तो कार्डिय आउटपुट कम हो जाता है जिसकी वजह से टिश्यू तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है मतलब टिशू का परफ्यूज़न कम हो जाता है जिसकी वजह से टिशू डैमेज हो जाती है तो ये एक शॉक का डेफिनेशन होता है इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेजेस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ़ हम लोग समझेंगे फर्स्ट इज द नॉन प्रोग्रेसिव शॉक जिसको हम लोग कंपनसेटेड स्टेज ऑफ शॉक भी कहते हैं सेकेंड इज द प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ शॉक एंड थर्ड इज द इन रिवर्सिबल स्टेज ऑफ शॉक नॉन प्रोग्रेसिव या फिर कंपनसेटेड स्टेज ऑफ शॉक में ये होता है कि जब पेशेंट शॉक के अंदर जाता है तो उसके बॉडी के अंदर नॉर्मल सर्कुलेटरी कंपनसेटरी मैकेनिज़म ही उसके बॉडी के अंदर शॉक को रिकवर कर देती है मतलब थेरेपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इस स्टेज के अंदर बॉडी की नॉर्मल सर्कुलेटरी कंपनसेटरी मेकेनिज्म ही उसको रिकवरी दिलवा देती है सेकेंड इज द प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ शॉक अब अगर ये शॉक आगे की तरफ और ज्यादा बढ़ता चला जाता है और प्रोग्रेसिव स्टेज में पहुंच जाता है जिस समय अब थेरेपी की जरूरत हो जाती है रिकवरी के लिए मतलब अगर अब थेरेपी नहीं दिया जाएगा तो शॉक वर्सन हो जाएगा और वर्सन होकर के इिवर्सिबल शॉक में कन्वर्ट हो जाएगा मतलब उसके बाद डेथ भी हो सकती है थर्ड इज द इरिवर्सिबल शॉक एक बार शॉक इतना प्रोग्रेस कर गया कि वो इरिवर्सिबल स्टेज ऑफ शॉक तक पहुंच गया तो आप रिकवरी देते भी रह जाइएगा तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रिकवरी इज नॉट पॉसिबल इन दिस स्टेज इवन आफ्टर गिविंग थेरेपी तो ये टोटल तीन स्टेजेस ऑफ द शॉक होता है अब इन स्टेजेस ऑफ द शॉक समझने के बाद हम लोग समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द शॉक तो शॉक को मेनली चार पार्टस में क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉजेस किस कॉज की वजह से शौक हो रहा है उस वजह से चार क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है फर्स्ट वन इज द हाइपोवॉलम्बिक शॉक यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हम लोग को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द शॉक जो होता है वो हेमरेज होता है जो कि एक हाइपोवाल्बिक शॉक का एग्जांपल होता है और यही हम लोगों को डिटेल में पढ़ना होता है और यही हमारे एग्जाम्स में हम मेनली पूछा भी जाता है तो हाइपोवॉल्बिक शॉक सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है और सबसे पहला क्लासिफिकेशन है शॉक का सेकेंड है कार्डियोजेनिक शॉक थर्ड इज़ द ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक एंड फोर्थ इज द डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर तीन शॉक आते हैं न्यूरोजेनिक शॉक एनाफेलेक्ट्रिक शॉक और सेप्टिक शॉक सी अगर देखा जाए तो इनके नाम से ही हम लोग को समझ जाएंगे कि इनका क्या कॉज होता है शॉक का उसके बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है तो इन सब के बारे में तो लास्ट में थोड़ा थोड़ा हम लोगों को पढ़ना है वो हम लोग जान जाएंगे सबसे मेन हम लोग को डिटेल में भी डिस्कस करना है हाइपो शॉक के बारे में सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विथ हाइपो शॉक हाइपोवालिमिक शॉक में सबसे पहले हम लोग कॉजे देखेंगे हाइपोवॉलियमिक शॉक के और उसके बाद हम लोग एक डिटेल्ड पैथोफिजोलॉजी समझेंगे हाइपोवालिक शॉक के बारे में तो हाइपोवॉलमिक शॉक जैसा नाम से ही हमें समझ में आ रहा है इट इज़ ड्यू टू द डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम ब्लड वॉल्यूम के कम होने की वजह से जो शॉक की कंडीशन डेवलप होती है उसको हम लोग हाइपोवॉलमिक शॉक कहते हैं अब ये ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होने के बहुत सारे रीजनस हो सकते हैं जिसमें से हेमरेज एक मोस्ट कॉमन रीजन होता है हाइपोवॉलमिक शॉक के डेवलप होने का दूसरा रीज़न इसका सर्जिकल कंडीशन या फिर सर्जिकल ऑपरेशन होते हैं थर्मल इंजरी या फिर बर्न्स के दौरान भी ब्लड वॉल्यूम का लॉस होता है और डिहाइड्रेशन के समय भी वॉल्यूम ब्लड वॉल्यूम या फिर प्लाज्मा का लॉस होता है तो इन सब कंडीशन की वजह से ब्लड वॉल्यूम कम होता है जिस वजह से ये हाइपो शॉक के कॉजेज़ बन जाते हैं तो हमने देखा कि इन कॉजेज़ की वजह से क्या हुआ कि ब्लड वॉल्यूम कम हो गया अब इस ब्लड वॉल्यूम कम होने के बाद क्या क्या होता है उसको हम लोग पैथोफिजियोलॉजी में इंक्लूड करते हैं तो ब्लड वॉल्यूम अगर कम होगा तो अगर सर्कुलेटिंग ब्लड के अंदर ब्लड वॉल्यूम ही कम है तो सिंपल सी बात है कि हार्ट हार्ट के अंदर वापस आने वाला ब्लड जो है जिसको हम लोग वीनस रिटर्न कहते हैं वो भी कम होगा और अगर हार्ट के अंदर आने वाला ब्लड दैट इज़ वीनस रिटर्न अगर कम होगा तो हार्ट का एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी कम होगा जिसकी वजह से इसका कार्डियक आउटपुट भी कम होगा ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ और ये सब में क्लियर तो वीनस रिटर्न अगर कम हुआ जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो गया अब कार्डियक आउटपुट के कम होने के बाद जो स्टेज डेवलप होता है उसको हम लोग कहते हैं शॉक और ये शॉक अल्टीमेटली हमने देखा था कि तीन स्टेजेस में हम लोग इसको समझेंगे सबसे पहले डेवलप होता है कंपनसेटेड शॉक की कंडीशन कंपनसेटेड स्टेज ऑफ द शॉक जब आता है उसके बाद भी अगर कंटिन्यूट फ्लूड लॉस हो रहा रहता है तो फिर पहुँच जाता है प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ शॉक और प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ शॉक में भी अगर हम लोग थेरेपी नहीं देते हैं क्योंकि प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ द शॉक को रोकने का सिर्फ एक ही तर, तरीका होता है जो कि होता है थेरेपी अगर यहाँ पे भी हम लोग थेरेपी नहीं देते हैं तो कंडीशन पहुँच जाती है इरिवर्सिबल स्टेज ऑफ शॉक की और अगर इरिवर्सिबल स्टेज ऑफ शॉक में पहुँच जाती है तो फिर डेथ इनएविटेबल होता है फाइनली डेथ हो जाता है तो एक एक करके हम ये सारे स्टेजेस को देखेंगे जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंपनसेटेड स्टेज ऑफ शॉक जिसको हम लोग नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज भी कहते हैं नाउ कमिंग टू द नॉन प्रोग्रेसिव और कम्पनसेटेड स्टेज नॉन प्रोग्रेसिव या फिर कंपनसेटेड स्टेज वो स्टेज है जिसके अंदर जो शौक से रिकवरी होती है वो हमारे नॉर्मल बॉडी की कंपनसेटरी मैकेनिज़म्स की वजह से ही हो जाती है और ये हमने शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट टर्म और लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में देखा था कि जब भी कार्डिक आउटपुट के कम होने की वजह से आर्टीरियल ब्लड प्रेशर फॉल करता है तो उसकी वजह से शॉर्ट टर्म रेगुलेशन पहले एक्टिव होता है फिर इंटरमीडिएट टर्म और फाइनली लॉन्ग टर्म रेगुलेशन से ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर लिया जाता है और वही का, एप, वही का एप, उसी का एप्लीकेशन हम लोग को यहाँ देखने को मिलता है कि जैसे ही कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है हाइपोवोलमिक शॉक की कंडीशन में तो उसकी वजह से आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कम होगा उसकी वजह से शॉर्ट टर्म रेगुलेशन के बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स और सी एन एस सिस्टमिक रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाएंगे इंटरमीडिएट टर्म रेगुलेशन के रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन और कैपिलरी फ्लूड शिफ्ट जो है ये वाला मैकेनिज्म भी एक्टिवेट हो जाएगा और रास का भी एक्टिवेशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर तो बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स और सी एन ए सिस्टमिक रिस्पॉन्स हमें पता है कि ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं सिंपैथेटिक स्टूमुलेशन करवा देते हैं और सिंपैथेटिक स्टूमुलेशन होने की वजह से हार्ट रेट और वेसो कंस्ट्रक्शन होने लगता है लेकिन ये जो वेसल्स का कंस्ट्रक्शन होता है ये कभी भी कोरोनरी और सेरेब्रल वेसल्स का नहीं होता है ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारी हार्ट होता है और हमारा जो ब्रेन होता है वो बहुत ही असेंशियल ऑर्गन्स होते हैं और वहाँ तक नॉर्मल ब्लड फ्लो मेंटेन करने के लिए ही बाकी पूरे बॉडी से वेसो कंस्ट्रक्शन करवाया जाता है क्योंकि बाकी पूरे बॉडी का जब वैसो कंस्ट्रक्शन होगा तो वहाँ से जो ब्लड हमारा बचेगा जो हमारा ब्लड वहाँ पे कम यूज़ हो रहा है वही ब्लड यहाँ पे आकर के दैट इज़ कोरोनरी एंड सेरेब्रल वेसल्स के अंदर आकर के ये ब्लड जो है इनको नॉर्मल ब्लड फ्लो सप्लाई हो पाएगा ताकि हार्ट और ब्रेन नॉर्मल फंक्शन कर सके तो ये हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा और वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा जिसकी वजह से फाइनली ब्लड प्रेशर बढ़ करके नॉर्मल की तरफ आ जाता है तो ये एक शॉर्ट टर्म रेगुलेशन का पार्ट दिख जाता है हम लोगों को कंपनसेटेड स्टेज में सेकेंड हम लोग को इंटरमीडिएट स्टेज इंटरमीडिएट रेगुलेशन का पार्ट दिख जाता है दैट इज़ रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन और कैपिलरी फ्लुइड शिफ्ट मैकेनिज्म इन दोनों को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लॉन्ग टर्म रेगुलेशन वाले वीडियो में जहाँ पे हमने इंटरमीडिएट टर्म रेगुलेशन पढ़ा था और ये दोनों मैकेनिज्म भी बीपी को बढ़ा करके फाइनली नॉर्मल की तरफ ले आते हैं थर्ड लॉन्ग टर्म एक्टिवेशन भी हमने लॉन्ग टर्म रेगुलेशन भी पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि रास जो होता है उसका एक्टिवेशन होता है रास के एक्टिवेशन से फाइनली हम लोग को पांच इफेक्ट्स देखने को मिले थे सबसे पहले तो सिंपेथेटिक स्टिमुलेशन देखने को मिला था जिसकी वजह से फिर से हार्ट रेट और बेसोकन हार्ट रेट इंक्रीज़ हो गया था और बेसल्स का कंस्ट्रक्शन होने लगा था सोडियम और वाटर का रिटेंशन होने लगता है जो कि डायरेक्ट किडनी पे एक्शन होता है रास का उसके बाद फिर एल्डोस्टेरॉन का भी सिंथेसिस सिक्रीशन uh, uh, बढ़ जाता है एड्रीनल कॉटिक से जिसकी वजह से वंस अगेन सोडियम और वाटर का रिटेंशन होने लगता है एंजियोटेंसिन टू जो इसमें बनता था वो डायरेक्ट वैसो कंस्ट्रक्शन कराता है और साथ ही साथ एडीएच का रिलीज को स्टमुलेट करता है फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसकी वजह से कलेक्टिंग डट के अंदर वाटर का रिएब्सॉपशन बढ़ जाता था और ये सारे के सारे कंबाइंड इफेक्ट शो करते थे कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा करके नॉर्मल की तरफ शिफ्ट कर देते थे तो इस तरह बॉडी जो है वो कम्पनसेट करती है कि जब भी हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हुआ जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हुआ ये कंपनसेटरी मैकेनिज़्म चला करके बॉडी ब्लड प्रेशर को फाइनली नॉर्मल की तरफ ले जाने का काम करती है लेकिन इन केस की फ्लूड लॉस जो है वो कंटिन्यूड है फ्लूड लॉस हुआ जा रहा है हुआ जा रहा है तो ये नॉन प्रोग्रेसिव या फिर कंपनसेटेड स्टेज जो है वो बढ़ करके पहुँच जाता है प्रोग्रेसिव स्टेज में अब ये प्रोग्रेसिव स्टेज के दौरान क्या होता है कि इसमें पॉजिटिव फीडबैक डिटोरिएशन ऑफ टिश्यू होता है या फिर ऐसा कह सकते हैं कि विशेष साइकिल्स ऑफ द कार्डियोबेस्कुलर डिटोरिएशन चलता है अब इसको डिटेल में समझते हैं ब्लड वॉल्यूम का लॉस ब्लड का लॉस कंटिन्यू होता जा रहा है होता जा रहा है होता जा रहा है मतलब ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है तो कार्डियक आउटपुट भी बहुत कम होता जा रहा है जिसकी वजह से आर्टेरियल ब्लड प्रेशर भी कम होता जा रहा है अब आर्टेरियल ब्लड प्रेशर भी अगर बहुत कम होता जा रहा है तो उसकी वजह से हार्ट के अंदर पहुंचने वाला जो ब्लड है मतलब कोरोनरी ब्लड फ्लो भी कम हो रहा है अब हार्ट के अंदर अगर ब्लड ईजिली नहीं पहुंचेगा, अगर सफिशियंट अमाउंट में नहीं पहुंचेगा, तो ऑब्वियस ये बात है कि कार्डियक डिप्रेशन हो जाएगा और ये कार्डियक डिप्रेशन हो जाएगा तो कार्डियक आउटपुट और कम हो जाएगा फिर ये और कम कार्डियक आउटपुट और आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को कम करेगा और ब्लड हार्ट के अंदर कम पहुंचेगा और कार्डियक डिप्रेशन होगा और कार्डियक आउटपुट कम हो तो एक विशेष साइकिल ये चलता रहता है एक पॉजिटिव फीडबैक साइकिल है ये मतलब कार्डियक आउटपुट कम होगा कार्डियक डिप्रेशन होगा और कार्डियक आउटपुट कम होगा और कार्डियक डिप्रेशन होगा तो ये प्रोग्रेसिव स्टेज धीरे धीरे और ज़्यादा डिटोरिएट होती जाएगी और ज़्यादा प्रोग्रेस करती जाएगी अब इसके रीजंस क्या होते हैं सबसे पहला रीज़न होता है वैसो मोटर फेलियर एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है क्योंकि जब तक ये जो शॉक था वो नॉन प्रोग्रेसिव या फिर कंपनसेटेड स्टेज में था तब तक तो सिंपेथेटिक स्टिमुलेशन उसको मिल पा रहा था बट एक समय के बाद जब ब्लड वॉल्यूम बहुत ही कम हो जाता है तो जो वैसोमीटर सेंटर है जहाँ से ये सिंपेथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है वो वैसोमीटर सेंटर का भी शिमिया होने लगता है जिसकी वजह से अब ये वैसोमोटर रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाता है जिसकी वजह से वैसोमोटर फेलियर हो जाता है और वैसोकस्ट्रक्शन नहीं हो पाता है हार्ट रेट नहीं बढ़ पाता है क्लियर सेकेंड हम लोग को स्लस्ड ब्लड देखने को मिलता है स्लस्ड ब्लड क्या होता है कि जो भी माइक्रो वेसल्स होते हैं मतलब कैपिलरीज या फिर स्मॉल वेसल्स होते हैं उनके अंदर ब्लड फ़्लो लो हो जाएगा क्योंकि ब्लड वॉल्यूम का बहुत लॉस हो रहा है अब ब्लड फ़्लो जब उनके अंदर लो हो जाता है लेकिन जो उनके आसपास में टिश्यूज़ हैं जिनको वो ब्लड सप्लाई कर रहे थे वो तो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म मेंटेन किए हुए थे तो वो कुछ हद तक नॉर्मल मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने का कोशिश करते हैं ब्लड फ्लो कम है लेकिन टिश्यूज़ जो हैं वो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म मेंटेन कर रहे हैं जिसकी वजह से जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे लैक्टिक एसिड हो गया कार्बोनिक एसिड हो गया डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स हो गया ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है ब्लड के अंदर और साथ ही साथ एक और चीज़ होता है दैट इज़ द स्टिकिंग ऑफ द ब्लड सेल्स ब्लड सेल्स स्टिक होकर के एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर स्टिक कर करके एक क्लॉट का फॉर्मेशन कर लेते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि एक ब्लड सेल्स को नॉर्मल एक दूसरे से अलग होने के लिए अलग होकर के और ब्लड में फ्लोट करने के लिए एक नॉर्मल ब्लड फ्लो की रिक्वायरमेंट है जैसे ही ब्लड फ़्लो कम होगा या फिर ब्लड फ्लो स्लो होगा तो ब्लड सेल्स जो होंगी वो एक दूसरे के ऊपर स्टिक करने लगेंगी और फाइनली स्मॉल क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम लोग स्लस्ड ब्लड कहते हैं उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी हो जाएगा अब कैपिलरी परमिएबिलिटी अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो उस वजह से क्या होगा कि जो जो फ्लूड होगा वो कैपिलरी से जाएगा टुवर्ड्स तो द इंटेस्टिशियम जिसकी वजह से और ज़्यादा फ्लूड का लॉस होगा सर्कुलेशन से जिसकी वजह से ये कंडीशन और ज़्यादा डिटोरिएट करेगी फिर टॉक्सिनस फ्रॉम द इस्टमिक टिशू जो भी इस्टमिक टिशू जिस टिशू का इस्शिमिया होता चला जाता है मतलब वहाँ पे उनका टिशू का डेथ होता चला जाता है उनसे टॉक्सिनस भी रिलीज होते हैं एंडोटॉक्सिन्स जो कि बैक्टीरिया से रिलीज़ होते हैं और जो कि इंक्रीज एब्जॉपन फ्रॉम द इंटेस्टाइन मतलब इंटेस्टाइन से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहे हैं एंडोटॉक्सिन्स ये सारी चीज़ें मिल करके के क्या करती हैं कि इस पूरे के पूरे कार्डियक डिप्रेशन को और ज़्यादा स्टमुलेट करती है मतलब भैंसो मोटर फेलियर मतलब ये जो डिक्रीज डाइटेरियल प्रेशर से जो नॉर्मल मैकेनिज़्म हो रहा था वो नहीं होने देती हैं तो ये और ज़्यादा कार्डियक डिप्रेशन की तरफ ये पूरा साइकिल मूव करता रहता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल ये चीज़ होती है मतलब इस विशेष साइकिल को चलाने के लिए ये सारी चीज़ें रेस्पॉन्सिबल हैं तो ये क्या है प्रोग्रेसिव स्टेज है अब इस प्रोग्रेसिव स्टेज में अगर थेरेपी दे दिया जाए जैसे कि मेन थेरेपी होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर थेरेपी दे दिया जाए तब तो ये स्टेज यहाँ पे बंद सीज कर जाएगा और पर्सन जो हो जाएगा वो रिकवर कर जाएगा लेकिन अगर थेरेपी नहीं दिया गया मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया गया अगर यहाँ पे ब्लड दे दिया गया तो ब्लड वॉल्यूम री कर जाएगा जिसकी वजह से कार्डियोक आउटपुट भी बढ़ जाएगा और ये पूरा का पूरा साइकिल रुक जाएगा लेकिन अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर थेरेपी इस स्टेज में भी नहीं मिलती है मतलब अगर थेरेपी इस स्टेज में भी नहीं दी जाती है तो फिर ये शॉक पहुंच जाता है अगले स्टेज में जिसको हम लोग कहते हैं इर रिवर्सिबल स्टेज ऑफ शॉक अब इस इर रिवर्सिबल स्टेज ऑफ शॉक में डेथ इनहेविटेबल होती है मतलब अब डेथ को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है क्योंकि टिश्यू डैमेज बहुत ज़्यादा एक्सटेंड तक हो चुका होता है डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स इन द ब्लड बहुत ज़्यादा हो गए होते हैं एसिडोसिस बहुत ज़्यादा लेवल पे हो चुका रहता है और साथ ही साथ एक और चीज होता है जिसको कहते हैं डिप्लीशन ऑफ द सेलुलर हाई एनर्जी फॉस्फेट रिजर्व्स। मतलब जो भी हाई एनर्जी फॉस्फेट्स है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं जैसे कि क्रिएटिन फॉस्फेट हो गया एडिनोसिन ट्राई हो गया जो कि एक्चुअली में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ये फॉस्फेट्स के अमाउंट कम हो गया रहता है क्योंकि क्रिएटिन फॉस्फेट है इसका भी डिग्रेडेशन हो गया रहता है एडिनोसिन ट्राई डिग्रेड होकर के एडिनोसिन डाई फॉस्फेट या फिर मोनियो या फिर एडिनोसिन में कन्वर्ट हो गया रहता है तो ये पूरे के पूरे हाई एनर्जी फॉस्फेट रिजर्व जो थे जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो सब डिप्लीट हो गए रहते हैं तो अब फाइनली इससे इससे उभर पाना पॉसिबल नहीं है इस वजह से ये शौक जो है फाइनली डेथ में कन्वर्ट हो जाता है तो ये पूरा पैथोफिजोलॉजी था जिसको हम लोग अब एक आ, पूरा समराइज़ करेंगे इस पूरे पैथोफिजोलॉजी तो ये पूरा पैथोफिजोलॉजी का समरी है शॉक के जो कि हमने अभी तक डिस्कस किया जिसमें हमने देखा कि अगर ब्लड वॉल्यूम कम होगा जिसकी वजह से वीनस रिटर्न कम हो जाएगा जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा और जिसकी वजह से आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा उसकी वजह से पर्सन जो है वो एंटर कर जाएगा कंपनसेटेड स्टेज ऑफ शॉक में जिसके अंदर बेरो रिसेप्टर कीमो रिसेप्टर और सीएनएस सिस्टमिक रिस्पॉन्स और रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन और कैपिलरी फ्लूड शिफ्ट मैकेनिज्म और रास जो शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट टर्म और लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स थे ये सारे एक्टिव होंगे जिनकी वजह से सिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन देखने को मिलेगा सोडियम वाटर रिटेंशन देखने को मिलेगा ई डी एच रिलीज देखने को मिलेगा एल्डोस्टरॉन देखने को मिलेगा और बेसो कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा और इन सब चीज़ों की वजह से फाइनली कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा जिसकी वजह से आर्टेरियल ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ रिटर्न हो जाएगा लेकिन इस स्टेज के बाद भी अगर कंटिन्यूड फ्लूइड लॉस होता है तो पर्सन एंटर कर जाता है प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ शॉक में जिसके अंदर एक विशेष साइकिल देखने को मिलता है कार्डिक डिप्रेशन का जिसको हम लोग पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी कहते हैं इसके अंदर यह होता है कि कार्डियक आउटपुट अगर कम है तो कार्डियक आउटपुट क्योंकि ब्लड वॉल्यूम का लॉस जो है वो कंटिन्यूड होता जा रहा है तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता चला जाता है आर्टीरियल ब्लड प्रेशर और ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से हार्ट तक पहुँचने वाला ब्लड जो है जिसको कोरोनरी ब्लड फ्लो कहते हैं वो और कम हो जाता है और फाइनली हार्ट का डिप्रेशन हो जाता है जिसको कार्डियक डिप्रेशन कहते हैं अब कार्डिय डिप्रेशन या फिर हार्ट का डिप्रेशन हो जाएगा तो उसकी वजह से कार्डिक आउटपुट और कम हो जाएगा और फिर फाइनली ये साइकिल जो है वो एक लगातार चलती चली जाएगी और ये का पूरा का पूरा जो शौक है वो और ज़्यादा डिटोरिएट करता चला जाएगा अच्छा ये ये जो साइकिल होती है उसको ऑपरेट करने का जो काम है वो करता है लाइक वैसो मोटर फेलियर क्योंकि वैसो मोटर फेलियर हो जाएगा तो कार्डिक आउटपुट को वो बढ़ा नहीं पा रहा है स्लस्ड ब्लड की वजह से भी कार्डिक आउटपुट और ब्लड प्रेशर कम होता चला जा रहा है परमिएबिलिटी कैपलेरी की परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है जिस वजह से फ्लुइड का लॉस हो रहा है फ्रॉम द सर्कुलेशन टू द इंटरस्टिशियम जिसकी वजह से फिर से कार्डिक आउटपुट और ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है टॉक्संस जो कि स्मिक टिश्यू से रिलीज़ हो रहे हैं एंडोटॉक्सेंस ये सारे के सारी की सारी चीज़ें रेस्पॉन्सिबल होती हैं इस साइकिल को ऑपरेट करने में अब इस प्रोग्रेसिव स्टेज के बाद अगर फिर से थेरेपी नहीं दिया जाता है फिर भी थेरेपी नहीं दिया जाता है क्योंकि अगर इस प्रोग्रेसिव स्टेज में हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसी अगर थेरेपी दे देते हैं तो ये साइकिल जो है यहीं पे सीज कर जाता है बट अगर इस स्टेज में भी थेरेपी नहीं दिया जाता है तो फिर पर्सन एंटर कर जाता है इर स्टेज ऑफ शॉक में जहाँ पे मेनली एक चीज़ होता है कि हाई एनर्जी फॉसफेट रिजर्व्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो जाते हैं जैसे क्रिटन फॉस्फेट और एडिनोसिन ड्राई फॉस्फेट ये ख़त्म हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं जिसकी वजह से एनर्जी नहीं मिल पाती है टिश्यूज़ को एंड फाइनली पर्सन का हो जाता है डेथ तो ये डिटेल्ड पैथोफिजोलॉजी हमने डिस्कस किया शॉक के बारे में इसके बाद हम लोग एक एक करके कार्डियोजेनिक शॉक ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे और ट्रीटमेंट पढ़ेंगे नाउ अदर टाइप्स ऑफ शॉक में हम लोग देखते हैं सबसे पहले कार्डियोजेनिक शॉक क्योंकि हमने शॉक को कॉजेस के बेसिस में क्लासीफाई किया था तो उसमें हाइपोवॉल्यूमिक के बाद सेकेंड टाइप ऑफ शॉक होता है कार्डियोजेनिक शॉक जिसका कॉज होता है इनएडिक्विड पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट एज ए रिजल्ट ऑफ माओकार्डिलेबनॉमेलिटीज़ जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हरिदमियों और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर देखने को मिलता है मतलब इस कंडीशन के अंदर जो हार्ट है उसकी प्रॉब्लम की वजह से वो पंप नहीं कर पा रहा है ब्लड को इसलिए कार्डियक आउटपुट कम है और इसलिए टिशू को टिशू को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पा रहा है जिस वजह से टिश्यू का डेथ हो रहा है ये रीज़न होता है कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर मतलब अगर हम एक मोटर इमेजिन कर लें अगर एक मोटर जैसे हम लोग के घर में पानी जो चढ़ता है मोटर से तो उसको अगर इमेजिन कर ले तो अगर पानी की कमी है तो उस वजह से भी हम लोगों को नीचे पानी नहीं मिलेगा अगर मोटर में प्रॉब्लम है तो भी उस वजह से हम लोगों को नहीं मिलेगा तो मोटर वही हमारा हार्ट जो है वो मोटर है और यही जो मोटर है उसका पंपिंग एक्शन में अगर प्रॉब्लम है जैसे कि माओकार्डिल इन्फेक्शन इन्फॉक्शन अरिदमिया और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इन कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है तो वो होता है कार्डियोजेनिक शॉक का कॉज तो ये कार्डियोजेनिक शॉक हो गया नेक्स्ट जो शॉक होता है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक शॉक के केस में क्या होता है कि देर इज ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्लड फ्लो इन द लंग्स और मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन इन द हार्ट मतलब लंग्स या फिर हार्ट के लेवल पे अगर ब्लड फ्लो का ही ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो ब्लड तो प्रॉपर आ रहा है हार्ट प्रॉपर्ली पंप भी करेगा लेकिन क्या होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये पूरा का पूरा सर्कुलेशन मेंटेन नहीं हो पाएगा जैसा हम लोग को देखने को मिलता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में अगर हार्ट के अंदर सॉरी अगर लंग्स के अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा तो ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा तो उस वजह से भी सर्कुलेशन प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं हो पाएगा टेंशन न्यूमोथोरैक्स कार्डियक टेम्पोनेड इन केसेस में क्या होता है कि हार्ट जो होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है कि वो हार्ट जो है वो पंप नहीं कर पा रहा है क्योंकि अगर पेरिकार्डियम जो कि हार्ट के सराउंडिंग लेयर होती है और पेरिकार्डियम के बीच में जो के अंदर जो पेरिकार्डियल स्पेस होता है वहाँ पे अगर फ्लूड फिल्ड हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा जो हार्ट है वो पूरा का पूरा रिलैक्स नहीं कर पाएगा तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो ये ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है जिस वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक देखने को मिलता है नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का कॉज होता है वेसोडाइलेशन वेसोडाइलेशन जिस जो कि एक्चुअली में इंक्रीज वेस्कुलर कैपेसिटी होता है इसकी वजह से ये शॉक होता है इसके अंदर ब्लड का लॉस नहीं हो रहा है इसके अंदर कोई आ, आ, हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन भी कहीं नहीं हो रहा है इसके अंदर जो वेसल्स होती हैं जिनको हम लोग कैपेसिटर्स भी कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द ब्लड वेसल्स भी कहते हैं जो वेन्स होती हैं मेनली उनका क्या हो जाता है डायलेशन हो जाता है और जब उनका एक्सेसिव डिशन हो जाता है तो उनके अंदर ब्लड का पूलिंग हो जाता है जिसकी वजह से हार्ट तक ब्लड सफिशेंट अमाउंट में रिटर्न नहीं हो पाता है और वीनस रिटर्न कम हो जाता है और वीनस रिटर्न कम हो जाएगा तो फिर से वंस अगेन कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा और शॉक की कंडीशन डेवलप हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक तीन तरीके से हो सकता है एक न्यूरोजेनिक शॉक एक एनाफेलेक्टिक शॉक और एक सेप्टिक शॉक न्यूरोजेनिक शॉक का मेन रीजन होता है जनरल एनिस्थीसिया या फिर डीप स्पाइनल एनिस्थीसिया ब्रेन डैमेज या फिर स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज इन सब की वजह से हमें पता है कि वैसो टोन का लॉस हो सकता है अगर जनरल एनेस्थेसिया डीप दे दिया गया फिर स्पाइनल एनेस्थेसिया दे दिया गया जिसकी वजह से सिम्पेथेटिक चेन इफेक्ट हो गई ब्रेन का डैमेज हो गया जिसकी वजह से अगर वैसो मोटर सेंटर डैमेज हो गया स्पाइनल कॉर्ड का अगर डैमेज हो गया तो उन सब की वजह से क्या हो सकता है कि वैसो मोटर टोन जो है जो सिंपेथेटिक सिस्टम की जो सिम्पेथेटिक सिस्टम की जो एक्टिविटी है उसका लॉस हो सकता है जिसकी वजह से वैसो कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा मतलब परमानेंट वैसो डायलेशन की कंडीशन डेवलप हो जाएगी जिसकी वजह से अब वेसल्स के अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा हो जाएगा और अगर वेसल्स के अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा हो जाएगा मतलब हार्ट तक ब्लड वापस नहीं पहुंच पाएगा जिसकी वजह से वीनस रिटर्न कम हो जाएगा जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा और उसकी वजह से शॉक की कंडीशन डेवलप हो जाएगी नेक्स्ट इज द एनाफेलेक्टिक शॉक इसका रीजन ऑब्वियसली बात है एनाफेलेक्सिस होता है एनाफेलेक्सिस मतलब कोई एक ऐस, ऐसी एलर्जी की कंडीशन है कंडीशन होती है कोई भी एलर्जी की कंडीशन हो सकती है किसी को भी किसी भी एलर्जन से अगर एलर्जी है तो उसके अंदर एंटीजन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने की वजह से मास्ट सेल और बेसोफिल स्टमलेट होते हैं और वो रिलीज़ करते हैं हिस्टेमिन और ये हिस्टमिन ये वेसोडाइलेशन परफॉर्म कर देता है जिसकी वजह से वंस अगेन वीनस रिटर्न कम हो जाएगा कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा और उसकी वजह से शॉक की कंडीशन डेवलप हो जाएगी नेक्स्ट कंडीशन जो हम लोग देखते हैं दैट इज सेप्टिक शॉक सेप्टिक शॉक के अंदर क्या होता है कि इसका रीज़न जो होता है वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो सेप्सिस का मतलब ही होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो कंडीशन डेवलप होती है जो शॉक की कंडीशन डेवलप होती है उसको हम लोग कहते हैं सेप्टिक शॉक अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक्चुअली में दो स्टेजेस कह सकते हैं सेप्टिक शॉक के होते हैं फर्स्ट जब इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन होने के बाद बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है और कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज़ हो जाता है मतलब एक हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन मेंटेन होने लगता है एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चलने वाला सर्कुलेशन जिसमें कार्डियक आउटपुट भी बढ़ा हुआ है ब्लड फ्लो भी बढ़ा हुआ है ब्लड की वेलोसिटी भी बढ़ी हुई है सब कुछ बढ़ा हुआ रहता है सर्कुलेशन में इसको हम लोग कहते हैं वाम सेप्टिक शॉक और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है कि किस शॉक के अंदर कार्डियक आउटपुट बढ़ा होता है बाकी सारे शॉक में हमने देखा कि कार्डिक आउटपुट घटा होता है बट वार्म सेप्टिक सेप्टिक शॉक के अंदर कार्डिक आउटपुट इंक्रीज रहता है वार्म सेप्टिक शॉक के बाद जो पर्सन होता है वो एंटर करता है कंडीशन में जिसको हम लोग कहते हैं लेट फेज ऑफ सेप्सिस जिसके अंदर ये जो बैक्टीरियल टॉक्सिनस हैं वो इनिबिट कर देते हैं मायोकार्डियम को जिसकी वजह से फाइनली कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है और इसको हम लोग कोल्ड सेप्टिक शॉक कहते हैं तो ये था सेप्टिक शॉक के बारे में इसके बाद हम लोग फाइनल डिस्कशन करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ द शॉक के बारे में सो नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ द शॉक शॉक को ट्रीट करने के लिए सबसे मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है ब्लड एंड प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके हम लोग ब्लड वॉल्यूम या फिर कार्डियक uh, आउटपुट को बढ़ा देते हैं अगर प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन किया जाए तो उससे भी काम हो जाता है क्योंकि हमारा ब्लड वॉल्यूम तो इंक्रीज हो ही जाता है अगर प्लाज्मा प्रेजेंट नहीं होता है तो हम लोग प्लाज्मा सब्सिट्यूट के रूप में डेक्सट्रांस सोल्यूशन को भी ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं तो ये दो ट्रीटमेंट हम लोग को समझ में आ गया थर्ड ट्रीटमेंट होता है सिम्पेथोमेमेट्रिक ड्रग सिम्पेथोमेमेटिक ड्रग जैसे नॉन रेपिफ्रिन और रेपिनेफ्रिन जो है वो वैसो कंस्ट्रक्शन जैसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करा करके मतलब वैसोमोटर टोन को बढ़ा करके न्यूरोजेनिक शॉक और एनएफ शॉक में तो आराम से काम कर सकती हैं क्योंकि न्यूरोजेनिक शॉक और एनएफ़ शॉक में अगर हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर शॉक का मेन रीजन हो रहा था वेसोमोटर टोन का लॉस यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो एक्सेसिव वेसोडाइलेशन होने की वजह से वेस्कुलर कैपेसिटी बढ़ने की वजह से शॉक हो जा रहा था तो अब वैसो डायलेशन को हमें प्रिवेंट करना है मतलब वैसो कंस्ट्रक्शन करवाना है जिस वजह से इन शॉक के केस में हम लोग सिम्पेथोमेमेटिक ड्रग जैसे नॉर रेपिनेफ्रिन और रेपिनेफ्रिन देते हैं कुछ अदर थेरेपी के रूप में भी अदर ट्रीटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हेड डाउन थेरेपी हम लोग यूज़ कर सकते हैं जिसमें पर्सन जब शॉक में जाता है तो हम लोग पर्सन का जो हेड है वो उसके बाकी बॉडी से थोड़ा सा लोअर साइड पर रख देते हैं उससे ये होता है कि जो पूरा का पूरा बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है उससे ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ ईजीली जा सकता है जिसकी वजह से वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाता है और वीनस रिटर्न अगर हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे हेड डाउन थेरेपी से तो उसकी वजह से कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा और शॉक से रिकवरी ईजीली होगा सेकेंड ऑक्सीजन थेरेपी हम लोग देते हैं क्योंकि टिश्यूज़ के लेवल पे हाइपोक्सिया हो जाता है जिसकी वजह से फाइनली इरिवर्सिबल कंडीशन ऑफ द इरिवर्सिबल स्टेज ऑफ द शॉक डेवलप होता है तो ऑक्सीजन थेरेपी देने से ये हाइपोक्सिया नहीं होगा जल्दी तो इसलिए हम लोग हाइपोक्सिया थेरेपी भी प्रोवाइड करते हैं और ग्लूकोकॉटिकॉइड्स भी हम लोग देते हैं एज अ अदर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बट वंस अगेन मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है वो ब्लड एंड प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन होता है मेनली इन द केस ऑफ हाइपोवॉलमिक शॉक और सिंपेथोमेमेटिक ड्रग होता है इन द केस ऑफ न्यूरोजेनिक एंड एनाफेलेक्ट्रिक शॉक So this was all about this video if you like this video please hit the like button do share with your friends and subscribe our channel if you want notes for this video or more such videos message me on my instagram handle link is given in the description below thank you